हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम वाटर कलर ट्री बनाने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने सैप ग्रीन और येलो ले लिया है। इसमें मैं पानी ब्रश को पानी में डिप करके थोड़ा सा पानी लेके इन दोनों को मिक्स करूँगी। ये देखिए, मिक्स होने पे थोड़ा सा लाइट हो गया, बट हमें इससे भी लाइट कलर चाहिए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा और इसमें येलो मिक्स करेंगे और देखते हैं कि किस तरह का शेड आता है। इसको मिक्स करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर पानी और भी थोड़ा सा डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए, और हमने मिक्स किया क्योंकि हमें और लाइट चाहिए था, हमें सनलाइट का इफ़ेक्ट चाहिए पेड़ पर, कि वहाँ पर लाइट आ रही है, तो उसके लिए हमें बहुत ही लाइट ग्रीन चाहिए, इसलिए हमने येलो ज़्यादा मिक्स किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सैप ग्रीन ले लेते हैं। इसमें थोड़ा सा ब्लैक हम मिक्स करेंगे, बिल्कुल डार्क कलर के लिए। एक सैप ग्रीन ओरिजिनल हम ले रहे हैं, उसमें कुछ मिक्स नहीं करें, बस पानी मिक्स किया है हमने। दोस्तों, आप चाहें, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप सिर्फ वाटर कलर से विदाउट एनी स्केचिंग पे ड्रॉ कर लगे, तो आप पहले एक रफ स्केच भी बना सकते हो, बट बिल्कुल लाइट बनाइए। पेंसिल से आप बना सकते हो, उसको बिल्कुल लाइट रखिए कि वो कलर करने के बाद भी दिखाई ना दे, ठीक है? तो बट मैं विदाउट एनी स्केचिंग ही बना रही हूँ। हम सबसे पहले लाइट ग्रीन लेंगे, जो हमने सबसे पहले बनाया था, ये देखिए, और ऐसे ब्रश से स्ट्रोक देंगे। इस तरह से हमने स्ट्रोक देने हैं। ये देखिए कितना ब्राइट इफेक्ट आ रहा है ये। इस तरह से हमने स्ट्रोक देने हैं। इसमें आप ब्रश को स्ट्रेट रख के 90 डिग्री के एंगल में रख के उससे भी आप स्ट्रोक्स दे सकते हो। और एक बात का ध्यान रखिए, जब हम पेड़ बनाते हैं, ये इसका लीव्स ये बनाते हैं, तो हमें बीच बीच में गैप देना है। कंप्लीटली इसको कलर नहीं कर देना है हमने, बीच बीच में गैप देते जाइए, वाइट पोर्शन दिखाई देना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल नेचुरल वे में आपने देना है, परफेक्शन बिल्कुल नहीं चाहिए इसमें। जो ट्री का अपर पार्ट होता है, जनरली जब सन ओवरहेड होता है, तो ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसमें लाइट पड़ती है, तो वो बिल्कुल लाइट कलर में हमें दिखाई देता है। और उसके बाद थोड़ा सा उससे ब्राइट कलर, और पेड़ का सबसे जो नीचे वाले लीव्स होते हैं, वो पार्ट होता है, वो बिल्कुल डार्क कलर रहता है क्योंकि उसमें सनलाइट नहीं पड़ती है। तो इसी को फॉलो करते हुए हम अपना आज का पेड़ बनाएंगे। अगर आप पूरा ट्री इस तरह एक ही कलर में पेंट कर दोगे, तो वो बिल्कुल फ्लैट लगेगा। जनरली ये 3 डायमेंशनल होते हैं, जो पेड़ बनते हैं 3 डायमेंशनल होते हैं। तो ये लाइटेस्ट ग्रीन है ये कलर, ये देखिए। अब हमने सैप ग्रीन ले लिया है, पानी के साथ हम इसको स्प्रेड करेंगे इस तरह से। ये देखिए, मैं ऊपर वाले टॉप पार्ट में नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा थोड़ा पानी लगा के, जब भी आपको लगे कि आपका ब्रश ड्राई हो रहा है या कलर स्प्रेड नहीं कर रहा है, तो आप पानी का यूज़ कर सकते हो। जब कलर नेचुरल वे में स्प्रेड करेगा, तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा।
इसमें आप नंबर 4, नंबर 6 पॉइंटेड राउंड ब्रश ले सकते हो ऐसे पेड़ को बनाने के लिए। अब हमने बिल्कुल डार्क ग्रीन ले लिया है, सैप ग्रीन, जिसमें हमने थोड़ा सा ब्लैक मिक्स किया था, अ बिट ऑफ ब्लैक, और हम इसको बॉटम पार्ट में करेंगे पेड़ के, थोड़ा थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं। और जनरली ये जहाँ पर देखिए वाइट रखा है मैंने, नेगेटिव स्पेस है, जो वाइट स्पेस है जिसको हम जनरली नेगेटिव स्पेस भी बोलते हैं, उसके नीचे नीचे मैं इसको थोड़ा सा टचअप दूंगी यहाँ पर। तो ये हम टैपिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, ब्रश की टैपिंग टेक्निक, उससे हम ये पेड़ बना रहे हैं। और वेट ऑन वेट टेक्निक है ये। ये देखिए हम थोड़ा सा पानी लेंगे ताकि ये स्प्रेड कर जाए और बिल्कुल नेचुरल लगे। जब ये कलर ड्राई हो जाएगा तो थोड़ा सा लाइट हो जाता है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। अब मैंने येलो ले लिया है कलर, प्योर येलो, इसमें आप क्रोम येलो का भी यूज़ कर सकते हो या फिर लेमन येलो भी, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। थोड़ा बीच बीच में भी मैं लेमन येलो का टच दे रही हूँ। ये जो देखिए बबल्स आ गए हैं, इनको भी हम रिमूव कर सकते हैं, और इनको रिमूव करना ही चाहिए, अदरवाइज ये ऐसे ही मार्क आ जाएगा। बहुत आसान तरीका है इनको रिमूव करने का, आप एक ड्राई ब्रश ले लीजिए, तो उससे आप टच कीजिए इसको, तो ये अपने आप ये देखिए एब्जॉर्ब कर लेता है ये सारी बबल्स। और अगर कहीं पर एक्स्ट्रा कलर हो जाता है, आपको लगता है कि ज़्यादा कलर हो गया, तो भी ड्राई ब्रश से आप उसको एब्जॉर्ब कर सकते हो या टिश्यू पेपर से एब्जॉर्ब कर सकते हो। तो ट्रंक बना रहे हैं अब हम ट्री की। इसके लिए हमने बर्नट सियाना कलर लिया है। पानी के साथ आपने अच्छे से स्प्रेड करना है इसको। अभी हमने बर्नट सियाना और ब्लैक जिसमें हमने मिक्स किया था वो कलर ले लिया है। थोड़ी थोड़ी शेडिंग देंगे नेचुरल इफेक्ट के लिए। जहाँ पर भी आपको लगता है कि कलर स्प्रेड नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा पानी लगा लीजिए ब्रश में और फिर टच कीजिए, तो कलर अपने आप स्प्रेड हो जाएगा और वो नेचुरल भी लगेगा। अब हम इसकी ब्रांचेस बना लेते हैं पेड़ की। ये जो हमने पार्ट खाली छोड़ा था,
जो नेगेटिव पार्ट था, वाइट पार्ट था, वहाँ वहाँ पर हम बीच बीच में ब्रांचेस बनाएंगे। तो ये हमने ब्रांचेस बना दी हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा और इफेक्ट दे देते हैं। नीचे ग्रास बना लेते हैं। ग्रास के लिए सबसे पहले हमने लाइट ग्रीन लिया है। थोड़ा सा डार्क ग्रीन और फिर ब्राइट ग्रीन। इस तरह से हमने ये ग्रास बना दिए, ग्राउंड बनाई है एक्चुअली, इसमें छोटी छोटी सी ग्रास है। ये देखिए हमारा पेड़ कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा और इफेक्ट दे देते हैं क्योंकि प्रोपोर्शनेट नहीं लग रहा था। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।